नमस्कार दोस्तों, भारत चीन के बीच सीमा विवाद और झड़प होने के बाद भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी, जिसमें टिकटॉक भारतीय यूजर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर भी था। इसके बाद टिकटॉक की जगह स्वदेशी ऐप डेवलप करने की कोशिश की गई, लेकिन IIT रुड़की के दो स्टूडेंट्स ने इसी साल अप्रैल महीने में ही मित्रो नाम का ऐप लॉन्च कर दिया था। ये भी टिकटॉक जैसा ही शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप है। अब इस ऐप के संस्थापक ने इसे और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए नेक्सस वेंचर्स पार्टनर्स की अगुवाई में $50 लाख का फंड हासिल करने की घोषणा की है। इस फंड से जहां इस प्रोडक्ट को और भी विकसित किया जाएगा, वहीं युवाओं को भी जॉब का मौका मिलेगा। मित्रो ऐप लॉन्च करने वाली कंपनी ने कहा है कि इस फंड का इस्तेमाल कर ऐप के लिए यूजर एंगेजमेंट बढ़ाया जाएगा, वहीं प्रोडक्ट का विकास करने के साथ प्रतिभाशाली युवाओं को नौकरी का मौका भी दिया जाएगा। कंपनी ने इस फंड के जरिए कंटेंट क्रिएटर्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाने की योजना सामने रखी है। इसमें मित्रो ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के लिए पूंजी निवेश की जाएगी और टेक्नोलॉजी से जुड़े हर स्तर के युवाओं को जरूरत के मुताबिक जॉब दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम जरूरी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।